पेट्रोल की जो महामारी है। क्या पता मैं आपको ये बुक ही गिफ्ट कर दूं। देख सकते हैं नीचे भी गिर रहा है। देख I just want to share with you one thing. Assalamualaikum, welcome back to another day. अगला दिन है आज और आज देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मेरा ऑनलाइन सेशन चल रहा है, बाकी जो कुछ होगा पूरा व्लॉग देखने के लिए stay tuned. Let's see what we can accomplish on this day. मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा डस्ट है और कुछ मुंह पे लगाना चाहिए क्योंकि बियर्ड में काफ़ी ज़्यादा बेड में काफ़ी ज़्यादा डस्ट चला जाता है। सुबह से मैं अब बाहर निकला हूँ और अभी मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं बस अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ कि उनका कॉल आएगा और उसी टाइम मुझे निकलना है। तब तक मैं आप लोगों को कुछ प्लांट्स दिखाता हूँ जो मेरी पार्क में हैं। ये जो छोटा सा पेड़ है ये हमने तब लगाया था जब हम यहाँ पे आए थे, उन्हीं दिनों हमने लाया था। इसको सर्वकुल बोलते हैं कश्मीर में, कश्मीरी में। एंड दिस इज़ अ रोज प्लांट, इसका पहला रोज़ निकला हुआ है। एंड दिस आर माई फेवरेट प्लांट्स, ये और ये मम्मी ने स्पेशल चप्पल इस पार्क के लिए रखा हुआ है। और ये कुछ बीन्स के प्लांट हैं, ये मिर्ची के प्लांट्स हैं, ये भी बीन्स हैं, ये भी बीन्स हैं, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए हैं। और ये है स्पेशल हाख, कश्मीरी साग, ये पुदीना है और मगर इसमें कुछ ज़्यादा स्मेल नहीं, अच्छी स्मेल है, काफ़ी अच्छी स्मेल है। ये भी पुदीना है, ये साग है, ये भी साग, ये भी साग। कीड़ा लगा हुआ है, पाइन, पाइन का है ये, दिस इज पाइन, इट्स गोइंग टू बी अ ट्री। और ये जो है अनार का पौधा है, यहाँ पे भी एक अनार का पौधा है, पेड़ था ये काट लिया हमने। दिस इज अ रोज प्लांट, अनार का। एंड दीज आर सम अदर प्लांट, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्लांट। एंड दिस इज आई थिंक सेम, आई लव दिस वन। इनको साफ रखना पड़ता है और ये बहुत अच्छे लगते हैं, गमलों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने पुदीना का छोटा सा टुकड़ा उठाया एंड च्यू किया तो काफ़ी अच्छी ब्रेथ हो गई। पुदीना को क्या बोलते हैं, मिंट, या मिंट। ये एरिया जो है काफ़ी क्वाइट एंड काम है, यहाँ वो वैसा रश नहीं है जैसा कई जगह है, काफ़ी अच्छा एरिया है ये। और कश्मीर के लोगों को मुबारक हो क्योंकि मच्छरों की जो तादाद है काफ़ी बढ़ गई है कुछ दिनों से, दैट मीन मच्छरों का आना हो गया है, मच्छर यहाँ आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम कैंसिल हुआ क्योंकि थोड़ा लेट भी हुआ और जिसके पास हमें जाना था उसने मना कर दिया। आजकल मैं बहुत ही बेहतरीन बुक पढ़ रहा हूँ तकरीबन 15-20 दिन से। इट हैज़ चेंज्ड माय परसेप्शन अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट द वर्ल्ड और दुनिया की ज़िंदगी और ये कमाना खाना पीना सब कुछ, पूरा लाइफ के बारे में। और हाँ, अलॉट मोर देन लाइफ। आई होप कि कुछ टाइम के बाद जब मैं फिनिश करूँगा आई विल शेयर विद यू कि आपको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। यू कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक अ लॉट। मैं जल्दी ही इसके बारे में बताऊंगा जब मैं फिनिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई बुक अगर आप गेस कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि यू कैन गेस कि कौन सी बुक मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप इस बुक का नाम गेस कर सकते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। जो पहला जो गेस करने वाला होगा उसको मैं ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट करूंगा, कुछ ना कुछ ज़रूर, पक्का गेस। क्या पता मैं आपको ये बुक ही गिफ्ट कर दूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और अपने डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड का यूज़ करेंगे तो ज़रूर ज़रूर आप ये गिफ्ट जीत सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू वन थिंग दैट आज सुबह आई वॉज थिंकिंग अबाउट व्हेन माय मदर वॉज मेकिंग द रोटीज एंड एट्सेट्रा, कि कैसे ये लोग सुबह सुबह उठते हैं, देन दे मेक, मतलब मैं खुद लेथार्जिक सुबह सुबह फील करता हूँ एंड एवरीबडी फील्स लाइक स्लीपी इन द मॉर्निंग एंड देन दीज मदर्स वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन मेक द ब्रेकफास्ट एट्सेट्रा। बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। आई एम सो थैंकफुल दैट ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ इंड्यूस्ड अ लॉट ऑफ love for their children in these mothers and especially in the mothers and fathers also. Aur abhi main ye soch raha tha ki my mother came to me to give me some fruits and she told me to get down so that we can do the lunch as soon as possible, but mera chai peene ka man kar raha tha and look what happened, bought me the chai without even asking, ki mere bina bataye, maine bataya bhi nahi। एंड उस उनने चाय लाई, मतलब एक अजीब सा रिश्ता होता है दिल से दिल का बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। तो मतलब मैं 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शॉक हो गया था, मेरा चाय पीने का मन था बट आई डिडंट रिवील कि मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। आई थॉट लेट्स गो फॉर द लंच नाउ, ऑल्दो इट वॉज़ इन साइड माई माइंड कि मैं चाय पीऊँगा उसके बाद। जब लंच के लिए बोला गया तो आई वॉज़ ओके, चलो ठीक है लंच ही कर लेते हैं।
बट शी गॉट मी चाय, आई वॉज सो शॉक्ड. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पेट्रोल की महामारी एंड आई एम गोइंग टू गेट द 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. लेके रखा है बट आई हैव टू गेट इट फ्रॉम माई आंटी एंड शी इज़ वेटिंग ओवर देयर. ये जो 20 लीटर का पेट्रोल है ये हम इसमें डालेंगे. पेट्रोल की जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा है, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं है बट फिर भी है, तो इमरजेंसी के लिए आप पेट्रोल रखें. हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा चलेगा. हमारा सामान है ये, इससे हम इसको पेट्रोल भरेंगे. चलो चलो चलो, नियर 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 नियर, बस बस रहने दो, इतना ही बस 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 था, ज़रूरी नहीं है बाहर निकालना. वहाँ खुला ये तो कर बंद गई. तो नहीं चखलो डिकी. देख सकते हैं अब हमने गाड़ी में डाल रहे तेल. आज हम मित्रों ये देखो हमारे तेल की हालत. ये देखिए, ऑयल क्राइसिस की वजह से एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट द फ्यूल. आई थिंक जो गाड़ी की टंकी है वो और एक केन मांगेगी पूरा. नीचे भी गिर रहा है देखो, ड्रॉप ड्रॉप. ये देखिए खुद डालने से क्या मसले होते हैं. ये देखिए बाल्टी लेके, इवन जो दूध वाले कैन होते हैं वो लेके लोग खड़े हैं. है ना, गाड़ी फजूल नहीं, गाड़ी को फजूल लेना है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा क्यू है. इसे बेटर आप कैन ले ले, बीच में घुस जाए और ले ले और चला के दिखाए. इसको ऑलरेडी दो सुइयां थी. ये जल्दी से जल्दी बंद कीजिए वरना ये सारा तेल उड़ जाएगा. आजकल बस कश्मीर में यही सब सीन चल रहा है कि पेट्रोल लाओ और अपनी गाड़ियों को फुल करके रखो. आई डोंट नो कितने दिनों तक रहेगा बट स्टिल अच्छा है, यू शुड कीप रिजर्व, सब कुछ होना चाहिए. और हाँ, आज मेरे हाथ में माइक इसलिए है, सम डेज बैक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वॉइस का बड़ा इशू था और दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्मॉल माई माइक्रोफोन. सो आई होप इसमें आपकी कानों तक आवाज़ पहुँचेगी. हेलो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें. जो भी आपको बताना है, डू द क्रिएटिव मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो भी है, वट एवर. या इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी सम आइडियाज़ अबाउट द व्लॉग्स और सम वीडियोस और एनीथिंग लाइक दैट इन एनी प्रोडक्टिव स्टाफ, और जिससे लोगों को फ़ायदा हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ सो दैट आई कैन थिंक ओवर इट एंड आई कैन मेक इट पॉसिबल. एंड यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.